को मिलकर कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से हो गए। गुड मॉर्निंग, फिर हाय बोलो बेबी, हाय। सैफ आप भी? ओहो सैफ तो शर्म भी बहुत आ रही है। बाल कहाँ से कटिंग करवा के आए हो? हैं उम्र के बाल चेक करो भाई। बेबी बाल किसने कटिंग करवाया है? कहाँ से कटिंग करवाई है? तुम्हारे बाल भाई दिखाओ, आपने दिखाओ पीछे से। ये देखो सैफ ने वैसे बाल कटिंग करवाई है और उमर ने भी, और आज उमर की भी तबीयत बेहतर है और सैफ की भी, बस खांसी है इनको। कहाँ छतानियाँ हो रही है भाई? हाँ शुक्र है तबीयत इनकी बेहतर है। लेकिन अभी तक हमने नाश्ता नहीं बनाया, ना आज हमने नाश्ता किया। हटो तो सही, भाई को तो दिखाओ। नाश्ता ना करने की वजह बताती हूँ, क्योंकि मैंने सफर तो देखो अपना घर का सारा काम भी कर लिया मैंने, और अभी 9 भी नहीं बजे हैं। और मैंने कहा था चलो कपड़े सीऊँगी मैं अपना, एक मुझे सूट सीना था, क्योंकि कल हम लोग जाएंगे इनकी पप्पो के घर पे और बच्चों की ताई के घर पे, बल्कि मेरी बड़ी जेठानी उनके घर पे जाएंगे अम्मी को लेके। तो हाँ मैंने कहा चलो एक नया सूट सी लेती हूँ, मैंने अपने 2 सूट लेके रखे हुए थे पहले के, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, बताना कम से मेरे कपड़े कैसे लगे। वे सिंपल से कपड़े होते हैं हमारे। हाँ ये निशान लगाया हुआ है इसने पाँव के नीचे। तो चलो अब तो लाइट भी चली गई है हमारी, सुबह ही 9 बजे जो हमारी लाइट जाती है, हमारी लाइट आती है रात को 7:30 या 8 बजे हमारी लाइट आती है। लाइट ने बहुत ज़िंदगी खराब हुई थी, जल्दी काम किया, नाश्ता भी नहीं किया। तो चलो हाँ इधर आओ कि हम लोग कपड़े में सी लूँगी काम करके, और फिर दोपहर खाने का टाइम हो जाएगा, जब तक तो एक सूट सी लूँगी, क्योंकि सिंपल से तो कपड़े होते हैं मेरे। लेकिन हाँ बेबी कुछ चक आ गया, लेकिन पता नहीं वो कपड़े अब सिलेंगे कि नहीं सिलेंगे, मुश्किल ही है। लेकिन कटिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी मशीन है बिजली वाली, हाथ वाली मशीन को निकालवा दिया था मैंने, मैंने मोटर लगवाई थी, लेकिन अब लाइट के बगैर वो कपड़े सिल नहीं सकते। चलो कटिंग करके रख लेती हूँ, फिर जब लाइट आएगी सिलेंगे, नहीं तो ना से। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कौन से 2 सूट लिए हुए। हाँ सी देखो कैसी है, ये वाले मेरे 2 सूट है, एक की ब्लैक कलर का है, इसके ऊपर ठप्पे का काम हुआ है सारा, और ये कलेक्टी है पिंक कलर का सूट है, इसके ऊपर सारा ये शिनील काम हुआ है। तो ये 2 पीस है, इनके साथ दुपट्टे नहीं, बस ये 2 पीस है। तो मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। सैफ आप तो हटो हटो, ये देखो ये सारा दामन पे काम हुआ है सही है, और ये सारा ऊपर गला नहीं बना हुआ इसका, ये सारा इसके ऊपर ना सब ये शिनील शिनील का काम है, और शलवार का प्लेन है के। और अभी सैफ जो लगा हुआ है मेरा दूसरा सूट खोलने में लगा हुआ है। सैफ ने क्या खोला है दिखाओ। सैफ ने ये खोली है शलवार, इसकी शलवार है 500 का, ये काम हुआ है ठीक है ना, ये ऐसे बनेगी ना, ऐसे ऐसे लंबे बनेगी। तो ये खोल के दिखा रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर सारा ना काम ठप्पे का हुआ है गोल्डन कलर का ठीक है। और ये कमीज़ है, चटो अटो सही बेटा, ये कमीज़ है, इसके सारा नीचे का ये दामन है ये वाला सारा, और ऊपर से वहाँ से गला हम जैसा मर्जी इसके ऊपर बना लेंगे। अभी मैं कटिंग करके रखती हूँ, और फिर आज बाज़ार भी लगा है ना, आज हफ्ता बाज़ार लगा होगा, तो वहाँ से लेकर आती हूँ, देखती हूँ उसके ऊपर क्या लगाती हूँ। हाँ जी अगर बहन से सिलवाती तो वो बहुत अच्छे करके सी देती, लेकिन अब टाइम भी नहीं है इतना, क्योंकि उसके पास खुद सिलाई का काम आया हुआ है। हाँ बेबी तो कपड़ों पर बैठ गया मम्मा के, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरे कपड़े कैसे लगे। हमारे सादे सादे से ही कपड़े होते हैं, ये पहली बार मैंने ऐसे कपड़े लिए, बस मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। हाँ इन्होंने देखो मेरे कपड़ों की क्या रेट लगाती है। अरे हाय सैफ ये क्या किया बेबी, उठा के रख दो। चलो तय लगाते हैं इन कपड़ों को सही है, और जब मैं अगर इनको कटिंग करके मैं सी लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे सी है। मेरे बिल्कुल कपड़े जो होते हैं मेरे कपड़े बिल्कुल सिंपल होते हैं, सादे कपड़े होते हैं, मैं कोई डिज़ाइनिंग वाले कपड़े वगैरह नहीं पहनती, बिल्कुल सिंपल कपड़े होते हैं। इनकी शैतानी देखो, ठीक है मैं इनको देखती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे जब मैं सी लूँगी। तो बेबी आ जाओ इधर आओ, सैफ इनको कहीं छेड़ो, यहाँ आ जाओ इधर आओ सामने, इधर आओ सैफ। सैफ उमर को लेके आई हूँ छत पे, थोड़ा धूप में, नीचे तो धूप आती नहीं है बिल्कुल भी, और आज डैड भी नहीं है, हम लोग ऊपर छत पे आए थोड़ी देर धूप में। फेंको कचरा, बेबी गया अपना काम करने, अभी चिड़ियों को बढ़ता रही ना तोड़ दे कहीं, चिड़ियों को पानी डालते उमर सैफ सब फेंक देते ऊपर छत पे आते,
अभी डालती हूँ पानी ला के नीचे से ना। बेटा पाँव पे लग जाएगा आपके पत्थर, ये क्या हरकत कर रहे हो, फेंक दो इसको, बुरी बात। इन्हें इसलिए मैं छत पर नहीं लेके आती हूँ, रात में छत पर लेके फिर ये चीज़ें उठाते हैं। चिड़िया का पत्ता मैं रखो, मम्मा भी पानी डालेंगे इनके अंदर ला के, यहाँ रख दो पानी। नहीं मैं खुद लेकर लाऊंगी, आप नहीं जाओ। आ जाओ, क्या कर रहे हो भाई, देख रहे हो क्या हो रहा है। गाजर का हलवा गरम, जी जिसको खाना है आ जाओ। रात को ही लेके आए थे गाजर का हलवा, बच्चों ने खा लिया था तो मैंने नहीं खाया था, मैं तो मैदे का मसला है इस वजह से मैंने रात को खाया नहीं है। मैदे में तक देखती रात को, दवाई खा के सो गई थी मैं, इसलिए मैंने ये हलवा खाया नहीं। तो मैंने कहा चलो अब मैं गर्म करके आती हूँ, मैंने इसको गर्म किया। और दोपहर में तो आज मैं कुछ पका नहीं रही हूँ क्योंकि हमारे कल मैंने दोपहर में बनाए थे आलू की बिरयानी बनाई थी मैंने कल दोपहर में, वो रखी हुई है, बच्चे खा लेंगे आके। जी बेबी, तो बच्चे आके खा लेंगे यही, तो मुझे जब भूख लगेगी हम यहाँ से मंगा लेंगे, बाजार से हर चीज़ मिल जाती है, चने वगैरह मिल जाते हैं। तो आटा मैंने निकाल दिया अपने, आटा बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सख्त आटा हो रहा है ये। जी बेटा हलवा मैंने गर्म कर दिया ना, अभी खाना ना ठंडा तो देता है, बहुत गर्म है। आपने हलवा नहीं खाया क्यों सैफ रात? अरे भाई ये बच्चे बहुत तंग करते हैं मुझे, बहुत तंग करते हैं बच्चे। बेबी मार लगा दोगे हमें तुम्हारी? देखो अभी आटा खोलने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं इनको देती हूँ हलवा। हमने सामान बाजार से सामान लिया हमने, ये क्या है इसमें, धनिया मटर मिर्ची और टमाटर और आलू, प्याज तो मैंने टोकरी में डाल दिया और मिर्च ली है। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू और मटर, आलू मटर का सालन बनाएंगे। चलो बना लेते हैं। आलू मटर को मैंने छील लिया, दो हरी मिर्ची डाल दी इसमें, और यहाँ मैंने अदरक लहसुन टमाटर और हरी मिर्चों को पीस के ऐसे पेस्ट बना लिया। सही है, मसाले में भी डालूंगी। अभी मैंने अपना घी गर्म करने रख दिया, जैसे गर्म होता है उसमें डालते सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा डालते और साल डाल देते, इसमें पेस्ट जो बनाया है इसको थोड़ा सा भूनते हैं, फिर इसमें डालते हैं सब मसाले। मसाला मैं भून रही हूँ, देखिए कितने अच्छे तरीके से मसाला भून गया, अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर को जो मैंने पेस्ट बनाया था ये भून गया अच्छे तरीके से। तो ये अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। मसाले मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ जितना आपको, नहीं तो मुझे तो हर चीज़ का अंदाज है हाथ से अपने। सही है, और मसाले डाल देते हैं इसमें, डालते हैं पिसा हुआ धनिया डालते हैं क्योंकि एक खासे मुझे बॉइल पकड़ना पड़ता है और एक खासे मुझे मसाले डालने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। और मिर्ची तो मैंने अभी मंगवाई है, मिर्ची हो गई है ख़त्म, मैं अभी बाज़ार गई थी तो मिर्ची भूल गई लाना, और हल्दी भी लाना भूल गई थी, तो वो भी मैंने दोबारा भेजा है मलाइका को, यहाँ के जाके हल्दी वगैरह लेके आओ। अब बीच में मिर्ची और डालूँगी, मिर्ची कम है। आलू मटर मैं थोड़े से फीके ही बनाती हूँ, तेज़ नहीं बनाती मिर्ची डाल के, क्योंकि ये फीके अच्छे लगते हैं। दोपहर में अगर बनाती आलू मटर के साथ में चावल उबालती, लेकिन शाम का टाइम है तो मैं चावल नहीं उबालूँगी, साथ रोटी बनाऊँगी। इसको भूनते रहेंगे ऐसे आस्ता आस्ता से। और मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरे बच्चों की तबीयत का पूछा था कि आपके बच्चों की तबीयत अब कैसी है, तो मेरे बच्चों की तबीयत अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी बेहतर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरे बच्चों की तबीयत का पूछा, और आपको भी तो बच्चा बीमार है, आप बताइए आपके बच्चे की तबीयत अब कैसी है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि सब बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो हमें आपके मैसेज कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे बच्चों की तबीयत का पूछा है। ये डाल देते हैं, ये हरी मिर्ची बाद में डालूंगी, जैसे अगर इनके पापा को मिर्ची कम लगेंगी तो वो
और क्या खा लेंगे, और तो ऐसे हमारे घर में कोई मिर्ची नहीं खाता है सिर्फ। वैसे अलबत्ता इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें खुशबू के लिए डालूंगी, वो भी कम मिर्ची ही खाते हैं। चलिए जब से मसाला भूनती हूँ फिर उसके बाद मैं ये डालती हूँ। मैं देखो मैंने इसमें मटर डाल दिए, आलू और मटर डाल दिए इसकी बुनाई करनी, और मैंने हरी मिर्ची ऊपर डालने के लिए बोला था इनको, तो मिर्ची अभी मिली नहीं क्योंकि हमारे यहाँ हो गई है फोर्थ की, तो जिसकी वजह से दुकान आज बंद है। तो मैंने कहा चलो अब इसमें जो हरी मिर्ची साबुत डालूंगी वो मैं काट लेती हूँ, तो ये मैंने ऐसे मैंने काट के डाली क्योंकि एक ही दुकान है यहाँ पे जहाँ राशन मिलता है, तो वही दुकान बंद है, तो इस वजह से कोई सौदा वहाँ मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे भी ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि उनकी फोर्थ की हो गई है, उनके भाई की डेथ हुई है, तो इस वजह से उनकी दुकान बंद है आज। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मिर्ची पीसी भी थी, तो दो मिर्चें साथ मैंने पीसी थी गर्म, उससे हल्दी नमक मिर्ची वगैरह जो मैंने डाली थी, साथ मैंने अदरक लहसुन के दो मिर्चें ही पीसी थी, और दो मिर्ची तो मैंने एक्स्ट्रा ऊपर डालनी थी वो भी मैंने डाल दी है। सही है, तो बस मैं इसकी बुनाई करती रहूँगी ऐसे अच्छे तरीके से, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और आज मेरे कपड़े की सिलाई नहीं हुई है क्योंकि आज सुबह जिस टाइम मैं सीने के लिए सोचा था लाइटिंग नहीं थी, लेकिन अब अंदाज़ा लगा लें 5 महीने वाले हैं, 5 से ऊपर टाइम हो रहा है, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। चलो कल देख लेंगे जो से कपड़े पसंद आए पहन लेंगे कपड़े। चलो बेटा क्या कमर क्या लेके आया, चिप्स लेके आए, वो सब गिरा देगा सर। आज आपने हाय नहीं बोला सर, ओ साहब आज आपने हाय नहीं बोला, बोलो हाय सर, प्लेट में डाल के दे दो ना मुझे, तो बोलो तुम तो बोल दो हाय। ये क्या हुआ हाय, ये क्या था, तबीयत सही नहीं जो हाय हो रही है आज गर्म के था। मुझे शादी निकाल के दे दो ना उसको, दूध भी लेके आयो, दूध तो मैं भी लाई थी कल, वो भी रखा हुआ गर्म हुआ है। बंद क्यों कर रहे हो, खाओगे नहीं उमर, बेबी खाओगे नहीं, नहीं नहीं लो पानी डाल दिया मैंने, ठीक है आप इसमें आलू पकते रहेंगे, इसमें आलू गल जाएंगे, धनिया भिगो दिया मैंने, पहले करती हूँ दूध गर्म। जी बेटा चिप्स खा रहे हैं मेरे बेबी, चिप्स खा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, बहुत गर्म है, मैं अपने बीज ही मंगवाया, बहुत अच्छे बीज होते हैं ये। नहीं बेटा लाओ अभी नहीं, अभी आपको खांसी आ रही है ना जी, कुछ नहीं बुलाया मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया, आवाज तो दी है। अस्सलाम वालेकुम, देखिए ये आज हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया है, आलू मटर, आलू मटर का सालन बनाया है आज, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।